धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में रविवार देर रात रफ्तार के कहर के चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 8 लोग चोटिल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल कुरुक्षेत्र डांड रोड पर टवेरा गाड़ी और हुंडई i10 में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे कि i10 में सवार एक युवक और युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टवेरा में सवार 9 लोगों में एक व्यक्ति इलाज के दौरान चल बसा, जबकि 8 लोग चोटिल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टवेरा में सवार 9 लोग अपने एक निकट संबंधी का अंतिम कर्म कर हरिद्वार से समाना पंजाब जा रहे थे, जबकि सामने से आ रही i10 गाड़ी से उनकी कुरुक्षेत्र रोड पर भिड़ंत हो गई। आप घर जा रहे थे पतड़े से फिर थाने वाली जाते। आए कहां से थे आप? हरिद्वार से। अच्छा, कितने सवारी थी आपके? हम 9, एक ड्राइवर, 8 बंदे हम। अच्छा, 2 लेडी, 3 बच्चे, 3 बुजुर्ग। तो किसके साथ एक्सीडेंट हुआ पता कुछ? वो गड्डी है दूसरी, वो पीछे से आके ना ऐसे घूम के मार दी थी ना बजी। अच्छा, तो मारे को पता ही नहीं लगा। तो सभी घायल है? हाँ। हादसे के बाद घायलों को लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर दीपाली ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। आए थे जिनमें से तो 2 मृत ही आए थे और एक ही ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई। 2 पेशेंट सीरियस थे, हमने उन्हें वीजा रेफर किया है और बाकी उनका इलाज चल रहा है। इंजर्ड कितने पेशेंट? इंजर्ड टोटल 9 इंजर्ड थे, 2 टोटल 11 पेशेंट्स थे, जिनमें से 2 तो डेथ ब्रॉड डेथ थे और 9 पेशेंट्स इंजर्ड हैं, 2 को सीरियस थे उनको रेफर कर दिया है और एक कुछ ही देर में जिसकी डेथ हो गई थी, बाकी के 6 पेशेंट हैं हमारे पास। और फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है और मृतकों के शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।